वैसे तो आपने ट्रेन में काफी बार सफर तय किया होगा, जिसमें ट्रेन काफी सारे ट्रैक से होकर गुजरती है। सामान्य तौर पर यह ट्रैक काफी आम होते हैं, जिन्हें ट्रेनें बड़े ही आराम से पार कर लेती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों के बारे में, जो आपके होश उड़ा देंगे। ऐसे रास्ते पर चलने वाली ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों का मानना है जैसे कि वो मौत का सामना कर रहे हो। जी हाँ, दुनिया में ऐसे काफी सारे खतरनाक रास्ते हैं जहां लोग अपने डर का सामना करने के लिए भी दूर दूर से आते रहते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले यदि आप ऑफबीट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। अरोमिनानी यह दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक में से एक है, क्योंकि इस ट्रैक के पास एक सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है, जिसका डर हमेशा बना रहता है कि ये कहीं अभी न फट जाए। पहले इस ट्रैक को बंद कर दिया था, क्योंकि ज्वालामुखी सक्रिय होने के कारण इसके अंदर का लावा कभी कभी ट्रेन की पटरियों के नजदीक पहुंच जाता था, और सरकार किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या फिर परेशानी नहीं उठाना चाहती थी। और इसमें यह भी खतरा हमेशा बना रहता था कि पता नहीं ये ज्वालामुखी कब फट जाए और ट्रेन में मौजूद लोगों को कितना नुकसान हो जाए या फिर उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ जाए। वहीं इसके अंदर से काफी जहरीली और बदबूदार गैस के बादल भी निकलते रहते हैं। अक्सर इस गैस से ट्रेन में यात्रा कर रहे लोगों को कुछ ज्यादा ही दिक्कत होने लग जाती है। लेकिन एडवेंचर के शौकीन लोग आज भी इतने खतरों के बाद यहाँ पर घूमने के लिए आते रहते हैं। द डेथ रेलवे, इसे वैसे तो बर्मा रेलवे भी कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसे द डेथ रेलवे भी कहा जाता है, क्योंकि इसे बनाते समय 90,000 से कहीं ज्यादा कर्मचारी, 16,000 के लगभग कैदियों की मौत वहां से उस नदी में गिरकर हो गई थी। अब यह पुल आने जाने के लिए तैयार है, जहां यह दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। लोगों का कहना है कि जब ट्रेन इस पुल को पार करती है तो वहां पर ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को उस पुल को बनाने वाले लोगों की आत्माएं दिखाई पड़ती हैं, और वहां से जब ट्रेन गुजरती है तो वो लोग काफी ज्यादा अजीब महसूस करते हैं। लैंड वॉशर विडकैट, स्विट्जरलैंड में स्थित इस ट्रैक से जब भी कोई ट्रेन गुजरती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह पुल एक नदी के ऊपर बना हुआ है, जिसकी खास बात यह है कि ट्रेन पुल को पार करते ही सीधा सुरंग में घुस जाती है। जब ट्रेन यहां से गुजरती है तो लोगों को एक तरफ गहरी खाई व सामने एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई पड़ता है, जिसे देखने वाले बताते हैं कि यह काफी ज्यादा सुंदर नजारा होता है। लेकिन यह जितना रोमांचक होता है उतना ही दिल दहला देने वाला भी। नेरिस डिल डियालो, यह रेलवे सफर दुनिया के सबसे डरावने रेलवे सफर में से एक है। इसे शैतान की नाक वाली ट्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसे ऐसे खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है जहां हर पल खतरा बना रहता है। वहीं कुछ लोग तो जब इससे सफर करके लौटते हैं तो उनके अनुसार यह आज तक का उनका सबसे खतरनाक सफर होता है, क्योंकि जब ये ट्रेन चलती है तो उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं होता कि वो सच में ट्रेन में बैठे हैं या फिर किसी एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, जहां लोगों की सांसें अटक जाती हैं। चेन्नई टू रामेश्वरम, यह भारत की ही नहीं जबकि दुनिया की सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक है। जब ट्रेन समंदर के ऊपर बने ट्रैक से गुजरती है तो यह देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। कई बार तो जब समंदर में ज्वार भाटा आने पर समंदर का पानी ऊपर उठ जाता है तो उसके कारण ट्रेन की पटरियां दिखाई ही नहीं देती, और ऐसा लगता है मानो ट्रेन पानी में तैर रही है। और लोगों को भी इसमें काफी डर लगता है, वो सोचते हैं कि ट्रेन अगर फिसलती है तो वह पूरी की पूरी पानी में समा जाएगी। लेकिन लोगों को रामेश्वरम जाने के लिए इस ट्रेन की सैर करनी ही पड़ती है, और काफी सारे लोग तो इसे सिर्फ देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ दुनिया में मौजूद खतरनाक रेलवे ट्रैक। हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऑफबीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।